गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 9th ऑफ गॉड मदर इंग्लिश स्कूल। टुडे वी स्टार्ट एस एस सब्जेक्ट चैप्टर 3rd मोमेंट टू वर्ड्स ए न्यू वर्ल्ड। एंड वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीट सम ऑफ द पोर्शंस ऑफ दिस चैप्टर एंड ड्यू टू COVID-19 वी हैव टू स्टार्टेड ऑनलाइन स्टडीज ऑन यूट्यूब। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द ग्लोबल ट्रेंड विच वॉज बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर एंड देयर आर टोटल 4 पॉइंट विच वॉज द फैक्टर्स फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड फर्स्ट वॉज फैसिनिज्म इन इटली, सेकेंड वॉज नेसिज्म इन जर्मनी, थर्ड वॉज मिलिट्रिज्म इन जापान एंड फोर्थ वॉज ग्लोबल डिप्रेशन 1929-32। एंड वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड दैट पॉइंट। एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939-1945 फैक्टर्स इन विच द कॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू फैक्टर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन विच देयर आर टोटल 7 फैक्टर्स सॉरी कॉजेज विच वॉज प्रीज नेशनलिज्म, ग्रुपिज्म्स, militarisms, fourth failures of the leagues of nations, and fifth was Treaty of Versailles, and sixth was imperialistic ambitions of Adolf Hitler, and seventh was German attack on Poland and immediate cause. And today we start the new point, which was Second World War and outline. Let's read the para first. With the commencement of the World War II, the world was again divided into two groups. So, देखो जैसे ही World War Second की घोषणा हुई, उसके बाद जो है वर्ल्ड जो है दो हिस्सों में बट गया था, दो ग्रुप में बट गया था, ठीक है। और एक साइड पे थी एलाइड नेशन, जिसमें लीड कौन कर रही थी, तो इंग्लैंड और फ्रांस, ठीक है। और दूसरे साइड पे था एक्सिस नेशन, जिसमें लीड कर रही थी जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। बिसाइड दिस सम अदर फैक्टर्स विथ वॉर ड्राइवन मेंटली एंड हैड एंटर इन टू दिस एंड जापान अटैक द नेवी अमेरिकन नेवी एट पॉल हार्बर हैज अ रिजल्ट अमेरिका गिव अप ऑन इट्स न्यूट्रल एंड इट्स रिटेलाइटेड एंड इट्स जॉइन द एलाइड नेशन थस मेकिंग इट्स स्ट्रॉन्गर। तो देखो यहाँ पे क्या था, फिर यहाँ पे जो है वॉर ड्राइवन मेंटेलिटी को लेते हुए जापान जो है अटैक करती है अमेरिकन नेवी पे पर्ल हार्बर में, ठीक है। और फिर अमेरिका जो है उसके बदला लेने के लिए जो है एलाइड नेशन के साथ जुड़ जाती है, जिससे वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। व्हेन द वॉर वाज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग, और जब वॉर एकदम बहुत ही जो है क्या बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो गया था, उस समय पे अमेरिका ने जो है 2 एटम बॉम्ब जो है जापानीज कंट्रीज़ में गिरा दिए थे, ठीक है। और वो बड़ा दो शहर जो था जापान का, वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। तो ये 2 एटम बॉम्ब कहाँ पे छोड़े गए थे जापान में, तो हिरोशिमा नागासाकी में 2 बॉम्ब को जो है छोड़ा गया था, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, और लगभग जो है 1,24,000 लोग जो है जापान में मारे गए थे, ठीक है। उन्होंने अपनी लाइफ को खोया था, और सब जगह पे हम बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था। और उसके बाद जापान ने जो है सरेंडर कर दिया था 11 अगस्त 1945 को, और यहाँ से वर्ल्ड वॉर टू जो है वो ख़त्म हुआ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू इमीडिएट इफेक्ट, तो देखो अब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू के वजह से क्या क्या चीज़ें हुई इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इकोनॉमिक इफेक्ट का। तो दिस वॉर हैड कॉज हॉरेंडियस डिस्ट्रक्शंस इन द वर्ल्ड, ऑल द इन्वॉल्व नेशंस हैड इनकर्स ह्यूज एक्सपेंसेस, अमेरिका हैड स्पेंड $350 बिलियन एंड अदर नेशंस हैड स्पेंड मोर देन $1,000 बिलियन। प्रॉपर्टी वोट्स द सेम हैड बीन डिस्ट्रॉयड टू, इंग्लैंड लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी वोट 2,000 करोड़ एंड अबाउट जर्मनी वन कांट इमेजिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वॉर से जो है वर्ल्ड में सब जगह पे डिस्ट्रक्शन ही फैला, और बहुत सारे नेशन को जो है बहुत ही बड़ा खर्चा आया, जिसमें अमेरिका ने जो है $350 बिलियन का जो है खर्चा किया था, और दूसरे नेशंस ने जो है 1,000 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का खर्चा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, और इंग्लैंड ने भी अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है डिस्ट्रॉय यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉयड हो गई थी, जो लगभग कितने पैसे की थी, तो 2,000 करोड़ की थी, ठीक है। और जर्मनी का तो तुम सोच ही नहीं सकते कि उनको कितना नुकसान हुआ था। द नेशन ऑफ द वर्ल्ड गेव मोर इंपॉर्टेंस टू द प्रोडक्शन ऑफ आर्म एंड एम्यूनेशन, और फिर तब से जो है जितने भी कंट्री थी वो ज़्यादातर वेपन्स को ज़्यादा बढ़ावा देती थी, और आर्म्स और वेपन्स जितना ज़्यादा बढ़ा सके वो बढ़ाने की कोशिश करती थी। हैज सो देयर वॉज अ स्कैसिटी ऑफ थिंग ऑफ बेसिक नीड, और इसी के वजह से यानी ज़्यादातर युद्ध के लिए जो है लो कंट्रीज़ जो है वो पैसा खर्च कर रही थी, और इसी के लिए बेसिक नीड के लिए जो पैसा चाहिए था वो चीज़ नहीं मिल रही थी, ठीक है। और प्रोडक्शन रिड्यूस, इन्फ्लेशन इंक्रीज, पीपल वेयर स्ट्रगल फॉर लिविंग गुड, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया था क्योंकि सब जगह युद्ध चल रहा था,
ठीक है, और इसी की वजह से जो है प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, काम नहीं हो रहा था, और इसी की वजह से लोगों को जो है जीने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। ठीक है, और जो ज़रूरत का सामान था वो भी चीज़ नहीं मिल रही थी, और लोगों का इकोनॉमिक लाइफ भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ठीक है, यानी पैसा भी नहीं था उनके पास। एज ए रिजल्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वेयर पुश इन टू ए इकोनॉमिक डिप्रेशन। और यहाँ से हम बोल सकते हैं पूरी कंट्री नेशंस जितने भी थे उन सबको ये इकोनॉमिक डिप्रेशन झेलना पड़ा था। ठीक है, और सबके यहाँ पे पैसे की कमी होने लगी थी। ठीक है, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होने लगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिज्म इन चाइना। मैनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वेर इम्प्रेस बाय द वे रशिया हैड मेड ए फास्ट प्रोग्रेस विद इट्स कम्युनिस्ट मेजर विद द बोल्शेविक रिवोल्यूशन 1970 एंड चाइना टू वॉज इम्प्रेस एंड जापान हैड बिकम वीक आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अंडर दिस सर्कमटेंस इट्स कंट्रोल ओवर चाइना हैड रेसिडेड एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस मियो टी सेंग एस्टैब्लिश कम्युनिस्ट रूल इन 1949 एट द एंड ऑफ ए रिवोल्यूशन इन चाइना। तो देखो बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जो जिन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन से जो है बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखा था, और इसमें हमने देखा था कि किस तरह से रशिया के लोग जो है आज़ाद हुए थे और अपने लिए जो है अपने देश के लिए जो है कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। ठीक है, तो इसी को देखते हुए जो है चाइना भी जो जापान के कंट्रोल में थी तो उससे वो बाहर आई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद जो है जापान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर देश हो चुका था, और इसलिए चाइना जो है वहाँ से बच के निकल गई। और उसके बाद जो मियोसी टंग थे जो चाइना के एक बहुत ही अच्छे लीडर थे, उन्होंने एक कम्युनिस्ट रूल चालू किया 1949 में, और यहाँ से जो है एंड हुआ रिवॉल्यूशन का चाइना का। ठीक है, ठीक है, यानी रशिया रिवॉल्यूशन से जो है चाइना का रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, और यहाँ से उन लोगों ने जापान से जो है अलग होना अच्छा समझा था। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू पावर। तो देखो जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ उसके बाद पूरा वर्ल्ड जो है वो दो सुपर पावर में बढ़ गया था, जो था अमेरिका और रशिया। ठीक है, और ड्यूरिंग द वॉर बोथ द नेशन वेयर फ्रेंड। और वॉर के समय पे तो दोनों नेशन एक साथ दोस्त की तरह थी, बट आफ्टर द वॉर, मगर वॉर ख़त्म होने के बाद जो है दोनों के ओपिनियन में बहुत ही ज़्यादा फर्क आने लगा, और दोनों के बीच में थोड़ा मतलब मन मुटाव होने लगा। ठीक है, और थस द डेमोक्रेटिक अमेरिका एंड द कम्युनिस्ट रशिया बिकम म्यूचुअली अपोजिट ग्रुप। और इसीलिए अमेरिका और रशिया एक दूसरे से अलग हो गई। अदर सम स्मॉल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ज्वाइन दिस टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। और दूसरे जितने भी नेशंस थे वो अपने हिसाब से जो है रशिया या तो अमेरिका में जुड़ रही थी। ठीक है, अमेरिका के ग्रुप में जुड़ रही थी। ठीक है, और द वॉर ऑफ वर्ड दैट एंड द वॉर ऑफ आइडियोलॉजी दैट बोथ सुपर पावर इनिशिएटेड इन ऑर्डर टू सपोर्ट और अपोज ईच अदर ओपिनियन क्रिएटेड द एटमोसफेयर ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, दोनों को जो है यानी अमेरिका और रशिया दोनों के जो है आइडियाज़ के ऊपर जो है अपने अपनी आवाज़ उठाने लग रहे थे और ओपिनियन देने लग रहे थे, जिसके वजह से जो है यहाँ पे जो है कोल्ड वॉर की सिचुएशन बन गई थी। ठीक है, और मैनी टाइम्स द सिचुएशन फॉर द थर्ड वर्ल्ड वॉर सीम टू बी क्रिएटेड। और बहुत बार जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बनने वाली थी, मगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं। ठीक है, मगर थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन उसके बाद भी हुआ था, मगर हुआ नहीं। ठीक है, अब हम यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ उसके बाद जब एंड हुआ उसके बाद जो है एक पीस प्रोसेस को चलाने के लिए जो है लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था, मगर वो पूरी तरह से फेल हो गया था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नेशन ने जो है उसका साथ नहीं दिया था, और बहुत जो पावरफुल कंट्रीज थी वो दूसरे कंट्रीज़ को जो है अपने कंट्रोल में रख रही थी, और इसी की वजह से लीग ऑफ नेशन पूरी तरह से फेल हो गया था। ठीक है, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसे यूनाइटेड नेशन कहा जाता है। ठीक है, और ये भी एक पीस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म। तो मैंने वही बोल दिया कि लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में, और मगर वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है क्या बनाया गया, तो यूनाइटेड नेशन बनाया गया। ठीक है, और ये कब बनाया गया था, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन को बसाया गया जिसमें मेन पर्पस क्या था, पीस सिक्योरिटी और को एग्जिस्टेंट। ठीक है, यानी सबको मिलजुल कर रहना, शांति बनाए रखना और सिक्योरिटी बढ़ाना। ठीक है, और इसका मेन हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और अमेरिका एफर्ट टू एस्टैब्लिश यूनाइटेड नेशन हैड ऑलरेडी बिगन फ्रॉम द टाइम एंड इट्स जॉइन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। द अमेरिकन प्रेसिडेंट रॉसवेल्ड मेड फॉर द इंपॉर्टेंस अनाउंसमेंट रिगार्डिंग फ्रीडम वाइल गिविंग हिज मैसेज टू द अमेरिकन कांग्रेस विद द इंटेंशंस ऑफ ह्यूमन फ्रीडम एंड पीस एंड सिक्योरिटी। तो देखो यूनाइटेड नेशन को जो है बनाने की कोशिश किसने की थी, तो अमेरिकन लोगों के एफर्ट से ही बना था।
ठीक है, यूनाइटेड नेशन, और इसमें सबसे बड़ा हाथ जिसका था वो था अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट का, ठीक है। और वो चार ऐसे इम्पॉर्टेंट बात पे, यानी चार ऐसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे वो अनाउंस करना चाहते थे, और उन्होंने अनाउंस किया था अमेरिकन कांग्रेस के सामने, ठीक है। और उसमें उन्होंने ह्यूमन फ्रीडम, पीस और सिक्योरिटी की बात की थी, ठीक है। यानी जिसमें हम चार पॉइंट देख सकते हैं, जिस चार पॉइंट पे जो है प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट रॉसवेल्ड ने अनाउंस किया था, तो वो था पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, यानी सब जगह पे, यानी जितने भी नेशन है उनको बोलने का अधिकार दिया जाएगा और अपना विचार रखने का अधिकार दिया जाएगा। दूसरा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अब जितने भी नेशन में जितने भी लोग रहते हैं वो अपने हिसाब से जो है रिलीजन को चुन सकते हैं और उसको महत्व दे सकते हैं, ठीक है, ये फ्रीडम। तीसरा दिया गया था इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है, यानी पैसे कमाने की भी छूट छाट होनी चाहिए, चाहे वो इंसान कहीं पर भी जाके कमाए, ठीक है, ये सब चीज़ें। और चौथा, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है, और किसी भी चीज़ का जो है डर नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी कंट्री जो है दूसरे कंट्री को डराएगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगी, ठीक है, उसमें भी फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। लेटर प्रेसिडेंट रॉसवेल्ड एंड द प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल प्रिपेयर्ड एन 8 पॉइंट एग्रीमेंट विच वाइल दे वेयर ऑन ए सीप इन द एटलांटिक ओशन, विच लेटर केम टू बी नोन एज एटलांटिक एग्रीमेंट। तो देखो, इसके अलावा प्रेसिडेंट रोजवेल्ट और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, उन लोगों ने जो है एक एग्रीमेंट बनाया था जिसमें 8 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए थे। और ये एग्रीमेंट कहाँ बनाया गया था, तो जब प्रेसिडेंट रोजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल जो है एक शिप में जो है अटलांटिक ओशन में जा रहे थे, और उस समय पर ये एग्रीमेंट को बनाया गया था, इसीलिए इस एग्रीमेंट को अटलांटिक एग्रीमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। और इस एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें आई है, तो देखो, मेंटेनिंग फ्रीडम, यानी फ्रीडम बनाए रखना। दूसरा, सॉवरनिटी ऑफ एवरी नेशन, यानी सबको इक्वल जो है इंपॉर्टेंस देना एवरी नेशंस को, ठीक है। इसके अलावा पीस बनाए रखना, सिक्योरिटी बनाए रखनी है, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है, यानी लोगों का भी भला होना चाहिए और पैसे का, पैसा भी लोगों का, यानी सब कंट्रीज़ का बढ़ना चाहिए, ठीक है। और जितना हो सके हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और ध्यान, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया एंड चाइना मेट इन द मॉस्को फॉर द वर्ल्ड पीस। और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर ब्रिटेन के, अमेरिका के, रशिया के, चाइना के, वो सब जो है एक साथ मिले थे मॉस्को में, और फिर वर्ल्ड पीस की बात कही थी, ठीक है। और यहाँ पे एक डिक्लेरेशन हुआ था जिसे हम मॉस्को डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है, यानी लोगों को समझाया, सब कंट्रीज़ को समझाया कि पीस प्रोसेस करना ही अच्छा रहेगा और युद्ध से सबका नुकसान ही होता है, ठीक है। और इन नवंबर 1943 थ्री सुपर पावर्स हेल्ड ए कॉन्फ्रेंस इन तेहरान, और इसके बाद तीन जो बड़े पावर्स थे 1943 नवंबर में, ठीक है, ये तीन पावर ने जो है सुपर पावर ने क्या किया था, एक कॉन्फ्रेंस रखा था तेहरान में, और वहाँ पे उन्होंने जो है ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें अलग अलग 50 नेशंस के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, प्रिपेयर्ड द एग्रीमेंट फॉर द यूनाइटेड नेशन एट वॉशिंगटन। और फिर वॉशिंगटन में यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है एग्रीमेंट को जो है 50 नेशन ने मिलजुल कर बनाया था, ठीक है, सितंबर 1944 को। और अक्टूबर 24 1945 को जो है 51 मेंबर्स नेशंस डिक्लेयर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, और फिर अक्टूबर 24 1945 को क्या हुआ था, तो 51 मेंबर्स जो अलग अलग नेशंस के थे उन्होंने यूनाइटेड नेशन बनाने की बात कही थी, ठीक है, और इंडिया भी इसका पार्ट था। और 24 अक्टूबर को जो है हम क्या मानते हैं, तो यूनाइटेड नेशन डे भी मानते हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड डे नेशन के हिसाब से, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन में जो है प्रेजेंटली 193 नेशंस जो है जुड़ चुके हैं, इसके मेंबर्स जुड़ चुके हैं, यानी इतने देश जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है, तो इस चैप्टर का जो है एमसीक्यूज और क्वेश्चंस जो है वो अपने नोट में लिख के रखना है। थैंक यू।